ये कहता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर है ए एंड बी, थीटा है, चलो ये दो वेक्टर है ए एंड बी एक प्लेन में है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी प्लेन में ही रहते हैं, तो चलो ये मैं इनको प्लेन में ही बना लेता हूँ। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, थीटा डिग्री पर है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, थीटा डिग्री पे है। अब कहता है कि मैं ए क्रॉस बी करूँ और साथ साथ ए के साथ डॉट लूँ, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो चलो ए क्रॉस बी करते हैं पहले। आपको सबको क्रॉस करने आता है, ए क्रॉस बी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। अभी वेक्टर ऐसे है तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी बोर्ड के, ए क्रॉस बी अगर मैं बोर्ड के प्लेन में ए मेरा ऐसे है और बोर्ड के प्लेन में बी मेरा ऐसे है, ठीक है, थीटा बी मेरा ऐसे है, तो जो ए क्रॉस बी करोगे तो वो वेक्टर बोर्ड के बाहर आएगा और उसका नाम होगा सी, ए क्रॉस बी, दाहिना हाथ ए क्रॉस बी, तीनों वेक्टर इसी हाथ में ही होते हैं, ए बी सी, ठीक है, तीनों वेक्टर इसी हाथ में है, ए बी सी, ठीक है। तो जो सी वेक्टर आया इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो बाहर आया। अब तुम ध्यान से अच्छे से देखो कि ये जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी ए के साथ कितनी डिग्री पे है? हमेशा 90 पे होता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बी के साथ ऑलवेज 90 पे होता है। ए क्रॉस बी इन दोनों प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो जब इसके साथ डॉट लोगे मेरे भाई तो जीरो ही आएगा। सी वेक्टर बाहर आया ना, ए क्रॉस बी को मैं नया वेक्टर बोल देता हूँ, ए क्रॉस बी को नया वेक्टर अगर मैं सी बोल दूँ तो ये पूछ रहा है कि सी डॉट ए कितना होगा, सी डॉट ए, तो सी ए कॉस 90 दैट इज जीरो, ठीक है, मतलब ये डी ऑप्शन सही है, क्लियर है, समझ में आ गया।